राशियों की ओर, राशियों में क्या कुछ आज देखने को मिलेगा इसके बारे में बताइए। हाँ देखिए, आज हम राशि की बात करें तो ये आपको बता दें कि जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। हर दिन मनुष्य का अलग अलग दिन निकल व्यतीत होता है, क्योंकि रोजाना ही ग्रहों में छोटे बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। इसलिए हम हमारे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को अपने ग्रहों की स्थिति को ठीक से समझाते हुए और उनका दिन शुभ व्यतीत हो और यदि मान लीजिए खराब है तो उसका हम उपाय बताते हुए प्रयास करते हैं आपके उज्जवल भविष्य बनाने का, आपका उज्जवल दिन बनाने का। सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों का आज का दिन उत्तम रहेगा। आप किसी सफल यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो आपका पैसा वापस मिलेगा। आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों का आज का दिन भाग दौड़ भरा रहने वाला है। दूर संचार के माध्यम से कोई शुभ संदेश मिल सकता है। इसके कारण आपका मन काफी चिंतित रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आज वृषभ राशि के लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। आइए बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। अप्रत्याशित खर्चे बढ़ेंगे जिसके कारण आपका मन काफी चिंतित रहेगा। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आज स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। व्यापार को लेकर के अधिक चिंता लगी रहेगी। आइए बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों का आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार के सिलसिले में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपके द्वारा की गई यात्रा सफल रहेगी। किसी करीबी रिश्तेदार या मित्र से भी उपहार की प्राप्ति होगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आइए अगली राशि बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों को आज थोड़े प्रयास से ही कामकाज में सफलता हासिल होगी। आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। मानसिक चिंता कम होगी। व्यापार के सिलसिले में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपके द्वारा की गई यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। आइए बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों का आज का दिन शुभ रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रभावशाली लोगों की मदद से आप अपने करियर के क्षेत्र में लगातार सफलता हासिल करेंगे। माता के स्वास्थ्य सुधार आएगा। आइए अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों का आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आप आज में सफलता हासिल करेंगे, परंतु इसके लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको अपनी सोच सकारात्मक रखने की आवश्यकता है। ईश्वर की भक्ति में आपका अधिक मन लगेगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों का आज का दिन भाग्यशाली साबित होगा। आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। मनोरंजक यात्रा पर जाने के योग नजर आ रहे हैं। तो मनोबल से समस्याओं का हल निकल सकता है। किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। आप अपने शत्रु को परास्त करेंगे। आइए बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले का दिन तक नजर आ रहा है। आज आप पैसे का उधार लेन देन मत कीजिए, अन्यथा धन हानि होने की संभावना है। नौकरी के क्षेत्र बड़े अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखेंगे। कुछ जरूरी कामों में अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग मिल सकता है। आइए बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का आज का दिन मिला जुला रहने वाला है।
जीवन साथी की मदद से आपको अपने किसी काम में सफलता मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में सामान्य फल की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंता कम होंगी, आमदनी बढ़ सकती है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि। कई योजनाओं का भारी मुनाफा मिलने के योग है, क्योंकि वे कार्य पड़ेगी। अचानक किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपका मन हर्षित होगा। आपके द्वारा की गई यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। आइए बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत है। योगी का परीक्षा के लिए आप अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। यह है आज का राशि फल। जी तो ये थे आज की राशियों के बारे में कि क्या कुछ आज राशियां देखने मिलेगी और तमाम समाधान भी आज पंडित जी ने बताए हैं। और कर्ज के बारे में आज हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से अगर हमें कर्ज से मुक्ति पानी है तो समाधान पंडित जी ने बताए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। जी शुभ आशीष। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय। जी तो चलिए फिलहाल हमारे खास पेशकश भाग्यफल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।